दिल्ली के तुगलकाबाद में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब दिल्ली के गैस डिपो से जहरीली गैस लीक होने लगी। ये खबर उस वक्त फैली जब तुगलकाबाद इलाके में स्थित रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों पर इस गैस का असर हुआ। बच्चे सुबह स्कूल पहुंचे ही थे कि अचानक उनकी आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत और बेहोशी की हालत होने लगी। आनन फानन में स्कूल प्रशासन ने 100 नंबर पर कॉल कर मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। चूंकि प्रहलाद नगर थाना स्कूल से महज चंद मिनट की दूरी पर है, लिहाजा पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए फटाफट मोर्चा संभाल लिया। इसके बाद देखते ही देखते एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, कैट्स और एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गईं। एकाएक फैसला लिया गया और स्कूल की छुट्टी कर दी गई। इसके बाद पीड़ित छात्राओं को अस्पताल ले जाने की मुहिम शुरू हुई। छात्राओं को मजीदिया अस्पताल, सफदरजंग, बत्रा हॉस्पिटल समेत 4 अस्पतालों में भर्ती कराया गया। करीब 300 छात्राओं को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद जिन छात्राओं की हालत ज्यादा गंभीर थी उन्हें अपोलो हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने इस घटना को लेकर न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि उन्होंने क्षेत्रीय जिला मजिस्ट्रेट और SDM को डिपो में गैस रिसाव की घटना की जांच शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूल में परीक्षा होने वाली थी जिसे इस घटना के बाद रद्द कर दिया गया है। रानी झांसी सर्वोदय कन्या विद्यालय की वाइस प्रिंसिपल ने बताया कि गैस लीक होने के बाद छात्राओं ने आंख और गले में जलन की शिकायत की। उन्होंने ये भी बताया कि अब सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं। वहीं DCP रोमिल बनिया ने बताया कि तुगलकाबाद डिपो के कस्टम एरिया से कुछ केमिकल लीकेज हुआ जिसकी चपेट में आने से नजदीक के स्कूल की छात्राओं पर इसका असर हुआ। फिलहाल इन बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी छात्राएं खतरे से बाहर हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तुगलकाबाद के जिस कंटेनर डिपो में गैस का रिसाव हुआ है उसको शहर से बाहर करने की लंबे समय से मांग चल रही है। डिपो के आसपास रानी झांसी स्कूल के अलावा 6 प्राथमिक विद्यालय हैं। डिपो के अंदर VP कैंप्स में 15,000 लोग रहते हैं। बावजूद इसके ये खतरा हमेशा सबके सर पर मंडराता रहता है। कोबरापोस्ट के लिए गौरव सिंह की रिपोर्ट।